तो यूट्यूब को मे भी ऐसा लगा होगा कि ये बंदा गांजा फूक के गेम खेलने बैठा है, राइट वाला आंख है वो रेड हो गया है। फिर मेरे पास दो चॉइस थी, या तो मैं ये वाला वीडियो डिलीट कर दूं। पहले जज्जू वाइट हो, यूट्यूब वाले ने एज रिस्ट्रिक्ट दे दिया था। अगर आपको एज रिस्ट्रिक्ट नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये ऐसा रूल है जिसे कोई भी 18 साल से कम उम्र का व्यक्ति नहीं कर सकता है। तो यूट्यूब से लगा कि अज्जू भाई गांजा पीकर वीडियो बना रहे हैं, तो इसी से रिलेटिव अज्जू भाई ने क्या बोला आप लोग खुद ही सुन लीजिए। लेकिन आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक कर दो। तो कल रात मैंने 9 बजे पोपी प्ले टाइम का एक वीडियो अपलोड किया था, ज्यादातर लोगों ने देख लिया होगा। बट हुआ क्या उसके बारे में हम जान लेते हैं। मेरा वीडियो हो गया रात के 1 बजे एज रिस्ट्रिक्ट, जो कि मैंने 1 बजे देखा नहीं था क्योंकि मैं सो गया था। और फिर जब मैंने मॉर्निंग में देखा कि YouTube में मतलब ईमेल आया था कि एज रिस्ट्रिक्ट हुआ है, तो फिर मैंने अपील भी किया। तो अपील करने के 2 घंटे या 1.5 घंटे में भी मेरे को रिप्लाई आया कि हमने आपका कंटेंट रिव्यू किया और उसमें एज रिस्ट्रिक्ट रहेगा, और उन्होंने रीजन कुछ तो दिया, 4 सेकंड पे आपने कुछ तो किया है। अब मैंने 4 सेकंड पे किया, यहाँ पे क्या है मैं बताता हूँ। हम लोग गेस कर सकते हैं कि क्यों मेरे को एज रिस्ट्रिक्ट मिला है। तो 0.4 सेकंड पे मैंने क्या दिखाया था, मैंने हाथ पे बोरकुट दिखाया था जो कि मैं बोरकुट खा रहा हूँ, और बोरकुट का कलर सिमिलर टू, देखो मतलब हमने गांजा देखा है, किसी ने पिया नहीं है, तो वो गांजे जैसा था। तो वो कलर देख के यूट्यूब ने आई थिंक वो कर लिया होगा कि ये गांजा पी रहा है। और ऊपर से मेरा ना वीडियो में जिनने वीडियो देखा है पता होगा मेरा जो राइट वाला आंख है वो रेड हो गया है, और वो होने का रीजन है कि मैं 2 दिन सोया नहीं था सही से, लाइक मतलब मैं काम कर रहा था तो मैं सोया कम था, तो इस वजह से मेरी आंख रेड हो गई थी। तो यूट्यूब को मे भी ऐसा लगा होगा कि ये बंदा गांजा फूक के गेम खेलने बैठा है, मेरे को कोई रीजन नहीं लगता। 4 सेकंड पे क्या है, बोरकुट ही तो खा रहा हूं, और यूट्यूब ने बोरकुट को ही गांजा काउंटर मतलब काउंट कर लिया, समझो यार। फिर मेरे पास दो चॉइस थी, या तो मैं ये वाला वीडियो डिलीट कर दूं पोपी प्ले टाइम का, या प्राइवेट कर दूं।